सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। पानीपत के डीएवी स्कूल थर्मल को राष्ट्रपति भवन में बने मुगल गार्डन की तरह तैयार किया गया, जिसकी प्रशंसा स्वयं उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने की। डीएवी पब्लिक स्कूल थर्मल शिक्षा एवं खेलों में तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए है, साथ ही प्रकृति के प्रति भी निरंतर अपना श्रेष्ठतम देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बात सुमेधा कटारिया ने डीएवी थर्मल के गार्डन को देखने के बाद व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यहाँ के गार्डन की महक जब उन तक पहुँची तो मन में भी गार्डन को देखने की उत्सुकता हुई। उन्होंने कहा कि निश्चित कार्य से कुछ विशेष अलग करना ही हमारी प्रतिबद्धता है, पवित्र भावना से कार्य करना ही एक प्रकार की देशभक्ति है। उन्होंने कहा कि मैं तो यही कहूंगी कि यदि किसी को एक संगठन के रूप में कार्य करते हुए देखना है तो वह डीएवी थर्मल को देखे। इस अवसर पर उनके साथ महाराष्ट्र की आईएएस ऑफिसर विमला भी मौजूद रही, जो इस समय पानीपत के दौरे पर आए हुए हैं। विद्यालय के गार्डन को डीसी मैडम के सुझाव पर 30 मार्च तक प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक सभी लोगों को देखने के लिए खोला गया है। डीएवी थर्मल में उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने बहुत मेहनत करके इनके स्टाफ ने यहाँ पे एक मुगल गार्डन का निर्माण किया है और भांति भांति के गार्डन्स वास्तव में देखने को मिले हैं। साइंस गार्डन है, मैथ्स गार्डन है, सोशल साइंसेस गार्डन है। ये मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग है, आश्चर्यचकित करने वाला है कि लिमिटेड सा स्टाफ किस तरह से अगर उसमें कमिटमेंट होती है, कटिबद्धता होती है और उन्हें लीडरशिप मिलती है। ऐसी रहनुमाई में जो रितु दिलबागी जी यहाँ की प्रिंसिपल, वो यहाँ की सभी फैकल्टी के मेम्बरान दे रहे हैं, तो एक लाइब्रेरियन अलग तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, साइंस टीचर अलग से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनके साथ मिल करके। और मुझे ये बताया गया कि स्कूल की पूरी मेंटेनेंस और क्लेनलीनेस और वाइट वॉशिंग ये सब लोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा उदाहरण है बाकी सभी स्कूल्स के लिए भी, और ऐसे प्रयासों के लिए मैं यहाँ की पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद देती हूँ।
विद्यालय में 32 तरह के फूल गार्डन में खिले हुए हैं। कोई भी फूल बाजार से खरीदा नहीं हुआ है, अपितु विद्यालय के कर्मचारियों ने स्वयं तैयार किया है। यह गार्डन तेज सिंह की देखरेख में जिन कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके गार्डन को सजाया है, उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल की प्रिंसिपल ऋतु दिलबागी सहित सारा स्टाफ मौजूद रहा। डीएवी थर्मल सतत प्रयासरत रहता है अपना बेस्ट देने के लिए। शिक्षा का क्षेत्र है तो डीएवी थर्मल ने सीबीएसई नेशनल टॉपर्स दिए हैं और हमारी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं आने वाले सालों में भी डीएवी थर्मल इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में अपना परचम लहराता रहेगा। खेलों की बात करते हैं तो खेलों में भी हमारे पास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। आप बात करें जूडो, बैडमिंटन, स्विमिंग, ताइक्वांडो, स्केटिंग, क्रिकेट, किसी भी गेम का नाम लीजिए, हर क्षेत्र में डीएवी थर्मल के बच्चों ने अपना परचम लहराया। बात करते हैं नेचर से जुड़ने की। ये सेनानी खड़े हैं हमारे, ये माली, ड्राइवर, कंडक्टर, इन सब ने मिलकर स्कूल को एक नया रूप दिया है, एक अनूठा प्रयास किया। डीएवी थर्मल को मुगल गार्डन नहीं कहूंगी, मुगल गार्डन से बहुत ऊंचा प्रयास किया, क्योंकि यहाँ पर एक बीज से लेकर पौधा बनाने तक का कार्य हमारे मालियों ने किया है।